मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के हुए गठबंधन के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या हरियाणा में भी सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच होने वाली ये सियासी जंग हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सभी खबरों पर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फुल स्टॉप लगा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सभी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और कांग्रेस अकेले ही चुनाव जीतने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस अपने ही निशान पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन के बनने से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए या इनेलो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन ऐसा अब कुछ भी होने वाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरह की सारी खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। हुड्डा ने इस दौरान ये तक कह दिया कि इनेलो का प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। वही रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में आई बाढ़ को लेकर खट्टर सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी नहीं थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ज़्यादा बारिश को देखते हुए फ्लड कंट्रोल की बैठक होती है, ड्रेन की सफाई होती है, इसका बकायदा अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं, ये काम हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होता तो इतना नुकसान नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बारिश और बाढ़ के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार किसानों को 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे, जिनके मकान टूटे हैं उनके मकान बनाने में मदद की जाए। मृतकों के लिए सरकार ने 4 लाख देने की घोषणा की है, ये नाकाफी है, इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।